करोड़ों के कर्ज में डूबे गुरुचरण लंगर में खाकर कर रहे गुजारा, बोले काम दे दो मुझे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्टर गुरुचरण सिंह लाइफ के बुरे फेज से गुजर रहे हैं। बीते दिनों वो अचानक से गायब हुए थे, फिर 26 दिन बाद खुद लौटे। वापस आने के बाद भी उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया है। गुरुचरण सिंह अभी भी कर्ज बेरोजगारी झेल रहे हैं, उन पर 1.5 करोड़ का कर्जा है। बातचीत में एक्टर का दर्द छलका। उन्होंने बताया वो काम की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं 1 महीने से मैं मुंबई में हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ। लोग मुझे प्यार करते हैं, स्क्रीन पर मुझे देखना चाहते हैं। मैं भी अपने खर्च चलाने के लिए, माँ की देखभाल, कर्ज चुकाने के लिए पैसा कमाना चाहता हूँ, दूसरी पारी शुरू करना चाहता हूँ। मुझे पैसा चाहिए क्योंकि EMI और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट देनी है। अभी भी मैं पैसे मांग रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग जो मुझे पैसा उधार देते हैं। गुरुचरण पिछले 1 महीने से डाइट पर हैं। उन्होंने कहा पिछले 24 दिनों से मैंने खाना छोड़ दिया है, मैं लिक्विड डाइट पर हूँ, सिर्फ दूध चाय और नारियल पानी पी रहा हूँ। हालांकि कुछ जगह जैसे गुरुजी के आश्रम से मिलने वाला समोसा, ब्रेड, पकोड़ा, मिठाई और प्रसाद समझकर खा लेता हूँ, इसे मना नहीं करता। पिछले 4 सालों में मैंने सिर्फ अपनी नाकामी देखी है। मैंने कई चीजें करने की कोशिश की है, बिजनेस की है, लेकिन सब फेल हुआ। अब मैं थक गया हूँ। गुरुचरण के मुताबिक उन्हें बैंक, क्रेडिट कार्ड और कंपनियों का 60 लाख का कर्जा देना है, फिर 60 लाख उस शख्स को भी देना है जिससे वो पैसा उधार ले रहे हैं। बीते दिनों वो आसित कुमार मोदी से भी मिले थे। फैंस को उम्मीद थी कि गुरुचरण को फिर से शो में लिया जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ।